नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे गुजरात वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का हाईलाइट के बारे में। क्या है हाईलाइट जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों WPL वुमेन प्रीमियर लीग का 14वां मैच गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसमें गुजरात जायंट्स की तरफ से कप्तान स्नेह राणा थी और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तान मेघलानी थी। अब सिक्का उछाला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब गुजरात जायंट्स बल्लेबाजी करने मैदान में आती है, जहां पे ओपनिंग करने सोफिया डंकले के साथ वोलवार्ट मैदान में उतरी। गुजरात जायंट्स का शुरुआती थोड़ा खराब रहा, क्योंकि 4 रन के अंदर एक विकेट गिर चुका था। फिर वोलवार्ट और हरलिन देओल के बीच थोड़ा अच्छी रन की साझेदारी हुई, फिर हरलिन देओल चली गई, फिर एस्ले गार्डनर आई। वोलवार्ट और एस्ले गार्डनर ने बॉलर की अच्छी तरह से धुलाई की। फिर गुजरात जायंट्स की पूरी टीम 20 ओवरों में 147 रन बनाई 4 विकेट के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल्स को 148 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें वोलवार्ट ने 45 बॉल पे 57 रन बनाई, एस्ले गार्डनर ने 33 बॉल पे 51 रन नाबाद बनाई और हरलिन देओल ने 33 बॉल पे 31 रन बनाई। जहां पर बॉलिंग की बात करें तो जेस जोनासन ने 4 ओवरों में 38 रन देकर 2 विकेट ली। मारिजेन कैप ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट ली। अब दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी करने मैदान पे आती है। शुरुआती दिल्ली कैपिटल्स का बहुत खराब रहा, क्योंकि 10 रन के अंदर दिल्ली कैपिटल्स का एक धाकड़ बल्लेबाज शेफाली वर्मा का विकेट गिर जाती है, फिर एक पर एक विकेट गिर जाती है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स 136 रन बना के 18.4 ओवरों में ऑल आउट हो जाती है, जिसमें मारिजेन कैप ने 29 बॉल पे 36 रन बनाई, अरुंधति रेड्डी ने 17 बॉल पे 25 रन बनाई और एलिस कैप्सी ने 11 बॉल पे 22 रन बनाई। जहां पे बॉलिंग की बात करें तो किम गार्थ ने 4 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट झटक ली, एस्ले गार्डनर ने 3.4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट ली और तनुजा कंवर ने 4 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट झटक ली। और इसी के साथ ही गुजरात जायंट्स 11 रन से जीत जाती है। गाइस इसी तरह के हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।